सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इसलिमेंट्रीट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम चार्ड में एक को करा, क्वीन है ही नहीं ना तो जाहिर सी बता ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं यह यह event, इवन, है। आने की प्रोबेबिली का आंसर वन होगा तो फाइव आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली फाइव नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी

स्टार्ट करते हैं आई होप आई होप कि इसका सॉल्यूशन देखने से पहले थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी आपने कहीं पे पढ़ रखा हो क्योंकि इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ तो ही दूंगा चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है नई एनसीआरटी के हिसाब से नई एनसीआरटी के हिसाब से पुरानी एनसीआरटी मेरे ख्याल से दो से तीन थी एक ऑप्शनल भी थी है ना चलिए तो यार सबसे पहले आपको इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या पूछ रहे हैं भैया आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या दोस्तों ऐसा कुछ होता है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना आएगा भाई इवेंट ई e मान लो मेरा जीतना मैं कोई गेम खेल रहा हूं इवेंट ई e मान लो मेरा जीतना और नॉट ई e का मतलब क्या होगा मेरा ना जीतना इवेंट ई e मतलब मेरा जीतना नॉट ई e का मतलब क्या होगा मेरा ना जीतना तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज अगर मैं सम कर दूं तो मुझे हमेशा 1 मिलेगा ठीक है विनिंग अ गेम प्लस नॉट विनिंग अ गेम की प्रोबेबिलिटी होती 1 सोच के देखो ना किसी चीज का होना और उसी चीज का नहीं होना की प्रोबेबिलिटी को आप प्लस करोगे तो 1 ही आएगा समझ में आया तो ये चीज आपको याद रखनी है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भैया वन ठीक है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता भैया आपने एक डाई को रोल करा सेवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अरे सेवन आ ही नहीं सकता बाबू मुशाए क्यों क्योंकि सेवन होता ही नहीं है ना तो भैया यह यहां पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज जीरो समझ में आया सच एन इवेंट इज कॉल्ड ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं

क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर फ्रॉम वन टू सिक्स आ जाए मतलब से लेकर तक कोई भी नंबर आ जाए अरे ज़ाहिर मतलब क्या होती है भैया है. है बोलते हैं श्योर इवेंट क्या बोलते हैं भैया श्योर इवेंट समझ में आए ठीक है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम नंबर वन आना मैंने एक डायको रोल करा मैंने एक इवेंट बनाया नंबर वन आना तो नंबर वन आना मतलब एक ही आउटकम तो इसको मैं एलिमेंट्री इवेंट बोलूंगा नंबर वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वन अपॉन सिक्स

किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर याद रखिए भाई कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है वन से छोटा या वन के बराबर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आपका यह आंसर होता है ठीक है समझ गए मतलब वन से बड़ा आंसर नहीं आ सकता और जीरो से छोटा आंसर

या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार नहीं स्टार्ट होगी क्या दोनों ही चीजों की कार के स्टार्ट होने की कार के नहीं स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी नहीं क्यों नहीं होगी क्योंकि भाई बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता मानो कार एकदम नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस है कि भैया वो कार स्टार्ट होगी मानो कार एकदम खटारा पुरानी है तो बहुत कम चांस है वो कार के स्टार्ट होने का मानो कार में फ्यूल नहीं है तो कार तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती तो बहुत ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी तो दोनों चीजों के होने की संभावना दोनों चीजों की होने की प्रोबेबिलिटीज सेम नहीं है इसलिए हम क्या बोलेंगे दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स ये दोनों आउटकम्स का इक्वली लाइकली होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है एस द कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्यूल एक्सेट्रा वगैरह वागे, वगैरह मैंने आपको बताया ठीक है क्या बोल रहे हैं भैया अ प्लेयर अटेम्प टू शूट अ बास्केटबॉल ही शी और द शॉर्ट भाई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पर प्लेयर ने बास्केटबॉल का शॉट लिया अब वो उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा जाएगा या नहीं जाएगा क्या दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी नहीं होगी क्योंकि डिपेंड करेगा प्लेयर टू प्लेयर बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है एक फैक्टर ये होता है ना कि प्लेयर के स्किल लेवल पर डिपेंड करेगा भाई प्लेयर बहुत खतरनाक को तो पक्के से जाएगा मतलब बॉल बॉल जाने जाने की की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी उस केस में पर नहीं जाने की थोड़ी सी कम हो जाएगी मतलब सेम प्रोबेबिलिटीज नहीं होगी समझ में है तो वही चीज क्या दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द प्लेयर मे शूट और मिस द शूट समझ में आ रहा है ठीक है जैसे कि मैंने बताया अगला देखो भैया क्या बोल रहे हैं

इसलिए माना जाता है क्योंकि टॉस जब आप करते हो तो या या तो या तो आएगा, या तो आएगा, या तो तो हेड हेड आएगा 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 टेल टेल दोनों का आने की संभावना सेम है इसलिए उसको फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग माना जाता है द टॉसिंग ऑफ इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज ओनली टू सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स है या तो हेड आएगा तो टेल आएगा आइदर हेड और अ टेल सिंस टू आउटकम्स आउटकम्स आर इक्वली लाइकली इन दोनों की होने की संभावना एकदम सेम है टॉसिंग इज इज एंड टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड ठीक है चलिए अगला दोस्तों मैंने आपको एक चीज बता दी किसी भी इवेंट की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर वन से छोटा या वन के बराबर होता है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है मतलब जीरो से छोटा नहीं हो सकता और वन से बड़ा नहीं हो सकता बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवेंट इनमें से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या नहीं आ सकता क्या टू बाय थ्री आंसर आ सकता है आ सकता है पता है क्यों जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर कुछ जीरो पॉइंट समथिंग आता है

ये तो जीरो और वन के बीच में इसलिए हो, हो, तो तो हो सकता है ये तो हूं और जीरो पॉइंट भी जीरो तो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर जीरो और वन के बीच में आ सकता है या तो वन हो सकता है तो जीरो भी हो सकता है पर इनसे ज्यादा और कम नहीं हो सकता समझ में है तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है जीरो पॉइंट वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई सिंपल किसी इवेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर है उसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा सिंपल आपको एक फॉर्मुला पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नॉट ई को ऐसे डिनोट करते है. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा Not e. Not e भी लिखते हैं हमेशा वन होता है यह फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए ठीक है ओके सर चलिए आगे चलते हैं तो आपको यह दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस आपको नॉट ई e की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो नॉट ई e की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव कितना आएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव करके देख सकते हो नहीं पता वन पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो कर लो माइनस तो टेन में से फाइव गया फाइव ये बचा 9, तो ये बचा हो गया जीरो पॉइंट नाइन फाइव ठीक है जब भी कंफ्यूजन लगे कैलकुलेशन में तो भी आप बगल में जाके कर लीजिए चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली एक बैग है इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है नींबू के फ्लेवर्ड की कैंडीज हैं मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग भैया एक बैग में एक बैग में लेमन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है मालिनी ने बैग में हाथ डाला बिना देखे और एक कैंडी निकाली एक कैंडी निकाली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मालिनी ने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली होगी hey. बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो आ ही नहीं सकती तो जो चीज हो नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर जीरो होता है समझ में आया तो भैया इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जीरो समझ गए जीरो क्या लिखोगे ऐसा लिख सकते हो सिंस द बैग ओनली कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज देयरफॉर फ्लेवर्ड कैंडीज इज नॉट पॉसिबल्टी ऑफ टेकिंग्लेवर्ड कैंडीज बंटे ना भैया लिख लेंगे, लेंगे अच्छा. तो ले ले अच्छा. मालिनी ने हाथ डाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है उसने एक कैंडी निकाली बिना देखे क्या प्रोबेबिलिटी होगी फ्लेवर्ड कैंडी होगी ना मतलब इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी वन होगी क्योंकि ये तो एकदम श्योर इवेंट है भैया सोच के देखो ना सोच के देखो ना समझ में आ रहा है अरे बैग में लेमन फ्लेवर्ड है तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हाथ में आएगी ना दोस्तों ठीक है तो जो चीज एकदम होने ही वाली उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जो पॉसिबल नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर जीरो इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स तीन स्टूडेंट्स का ग्रुप है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना तीन स्टूडेंट्स का ग्रुप है तीन स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट है सेम बर्थडे दो स्टूडेंट के सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, उनके सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई सेम बर्थडे नहीं होना सेम बर्थडे होना सेम बर्थडे नहीं होना सेम बर्थडे होना सोच पा रहे हो कुछ बताता देखो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा सिंपल सा क्या आपको पता है इवेंट ई e के होने की प्लस इवेंट ई e नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर वन होता है समझ में आया ठीक है तो एक काम करते हैं यहां पर मैं यहां पर मैं ई e बार को बोलता हूं नॉट e को बोलता हूं क्या नॉट e को बोलता हूं नॉट हैविंग सेम बर्थडे क्या बोलता हूं नॉट हैविंग सेम बर्थडे नॉट हैविंग सेम बर्थडे तो मुझे बताओ ई क्या हो जाएगा ई क्या हो जाएगा ई क्या, क्या हो जाएगा अगर ई नॉट नॉट ई कोविंग सेम बर्थडेगाम बर्थडेविंग सेम बर्थडे तो सिंपल तो सी बात है बर्थडे सेम नहीं होना प्लस बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर बन आएगा तो बस आप निकाल लो अब तो आपको आपको पी निकालना है पी ई नॉट आपको दिया हुआ है कितना 0. 0.9921 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगी 1 0.992 नहीं कर पाओ तो बगल में जाओ 1.000 लिखो यहां पे आप 0.992 लिखो ये आपका 10 में से 2 गया 8 बचा ये आपका 9 में से 9 गया 0 बचा ये आपका नाइन में से नाइन गया जीरो बचा और ये आपका जीरो तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट समझ गए ठीक है सर चलिए आगे चलते हैं चलिए क्या बोल रहे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स एक बैग में तीन लाल कलर की बॉल्स है और फाइव ब्लैक कलर की बॉल्स है बॉल इज ड्रॉन एड रैंडम फ्रॉम दी बैग भैया एक बैग में तीन लाल कलर की बॉल है पांच ब्लैक कलर की बॉल है एक बॉल को बिना देखे निकाला गया क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो बॉल है ये लाल कलर की हो सिंपल है प्रोबेबिलिटी का आपको आंसर और फॉर्मूला पता ही है सबसे लिखू क्या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है भैया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बताइए फाइवरेड सॉरी थ्री रेड प्लस फाइव ब्लैक इज इक्वल्स टू एट बॉल्स आपकी टोटल है अगर मानो आपको रेड कलर की प्रोबेबिलिटी चाहिए मतलब रेड कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी तो फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सही है नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपकी कितनी है भैया तीन टोटल बॉल्स आपकी एट है तो so ये आपकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई समझ गए वैसे यहां पर क्या कर लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड पूछा है अच्छा तो, तो इजी है रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी आर बार क्या होगा नॉट रेड इसका मतलब क्या होगा नॉट आर सही बात है आंसर क्या होगा वन तो इस फॉर्मुले से भी कर सकते हो क्या भैया रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड कलर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का आंसर बंद तो रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी थ्री बाय है रेड कलर नहीं आने का आंसर क्या आ जाएगा थ्री बाय एट उधर गया तो वन माइनस थ्री बाई एट आप एलसीएम सेल्सियम लोगे तो ये आपका फाइव बाई एट आ जाएगा रेड कलर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइव बाई एट आ जाएगी आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मैं रेड कलर नहीं आएगा मतलब क्या आएगा

एक बॉक्स होगा मानो इस बॉक्स में आपकी पांच रेड कलर की मार्बल्स हैं आठ व्हाइट कलर की मार्बल्स हैं और फोर ग्रीन कलर की मार्बल्स ठीक है वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम एक मार्बल बॉक्स से रैंडमली निकाला गया इज द दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड क्या होगी दोस्तों इजी है देखो फॉर्मूला आप लोग लिख लेना फॉर्मूला आप लोग लिख ठीक है टोटल तो नंबर ऑफ बॉल्स आप पहले आप लिखते क्या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी भैया फटाफट फाइव प्लस एट थर्टीन प्लस फोर सेवनटीन सही तो है बार फिर से कर लेते फाइव प्लस एट थर्टीन प्लस फोर सेवनटीन ठीक है अच्छा तो डायरेक्ट कर दू फटाफट पड़? ओके सर तो लाल कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी पांच बाय सत्रह व्हाइट कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी आठ बाय सत्रह और नॉट ग्रीन अच्छा नॉट ग्रीन का मतलब क्या होगा नॉट ग्रीन का मतलब क्या होगा ग्रीन की निकाल लो फिर दो तरीके ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फोर ग्रीन की क्या हो जाएगी वन माइनस फोर बाय सेवन 17 आप इसको ऐसे भी देख सकते हो तो चलो मैं कर देता हूं थर्ड वाला मैं आप तो लोग अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन तो एक तरीका क्या कि ग्रीन की निकाल लो फिर नॉट ग्रीन की निकल जाएगी दूसरा तरीका क्या कि नॉट ग्रीन की निकालना मतलब क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी भाई ग्रीन नहीं आएगा मतलब क्या आएगा व्हाइट और रेड आएगा तो नॉट ग्रीन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है भैया फाइव बाई सेवेंटीन वाइट कितनी है आठ बाय सेवनटीन तो डिनोमिनेटर सेम ऊपर आ जाएगा थर्टीन बाय सेवनटीन इस तरीके से भी कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अ पिगी बैंक कंटेन्स हंड्रेड फिफ्टी पैसा कॉइन्स एक पिगी बैंक है जिसमें हंड्रेड फिफ्टी पैसा कॉइन्स है फिफ्टी रुपीज वन कॉइन्स ट्वेंटी रुपीज टू कॉइन्स एंड टेन रुपीज फाइव कॉइन्स सर ये क्या दिया हुआ है बताता हूं देखो आराम से देखो फिफ्टी फिफ्टी पैसा कॉइन्स कितने हैं हंड्रेड समझ गए वैसी वैसी रुपीज या फिर वन रुपी कॉइंस कितने हैं फिफ्टी देखो फिफ्टी लिखा हुआ है रुपीज कॉइंस टू रुपीज कॉइंस कितने दो रुपए के कितने सिक्के हैं भैया बीस सिक्के हैं ठीक और टेन रुपी कॉइंस कितने दस रुपए के आपके पास कितने सिक्के हैं अच्छा नहीं पांच रुपए के पांच रुपए के पांच रुपए के कितने सिक्के हैं भैया दस सिक्के गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है ओके सर तो ये आपका डेटा कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या पूछ रहे हैं इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द विल फॉल आउट द बैंक इज टर्न अपड डाउन भाई इस पिगी बैंक को अगर ऐसा अपसाइड डाउन कर दिया पिगी बैंक होता है ना वो गुल्लक होता है गुल्लक को उल्टा कर दिया तो चिल्लर गिरेंगे भैया चिल्लर है ना ठीक है इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन What इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बोली लोगों ने क्या इक्वली लाइकली बोला है मतलब क्या हर कॉइन के गिरने की प्रोबेबिलिटी सेम है ऐसा नहीं है कि भैया कोई कॉइन पतला सा होगा तो जाहिर सी बात है ना अगर कोई कॉइन पतला सा होगा तो वो अगर वो छोटे से छेद से निकलेगा तो उसकी गिरने का बहुत ज्यादा चांस है मतलब डिपेंड करेगा ना साइज़ साइज़ पर पर मैं क्या कहने हूं? हाँ सर। पर क्या रहा सर इन्होंने इन्होंने बोला इन्हों क्लियर कर दिया कि प्रोबेबिलिटी मतलब होगी कि भैया बैंक है उसको अपसाइड डाउन करा तो यहां से 50 पैसे का कॉइन गिरा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी तो 50 पैसे के 100 कॉइन्स है 50 पैसे के 100 कॉइन्स है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन विल बी डायरेक्ट लिखूंगा 100 अपॉन टोटल कितना है 150 170 180 कॉइन्स, टोटल आपके 180 कॉइंस है जीरो से जीरो कटा 25 का 29 तो ये आ गया आपका 5 बाय 9 फाइव अपॉन नाइन प्रोबेबिलिटी होगी फिफ्टी पैसा की क्लियर है Clear sir. अगला क्या बोल रहे हैं एक तरीके से करते कितनी कितनी हो जाएगी probability of 5 coin, कितनी हो जाएगी जाएगी भैया के दस चिल्लर है टोटल कितने हैं भैया तो टेन अपॉन वन एट्टी टेन अपॉन वन एटी आप किसकी प्रोबेबिलिटी सोल्व करोगे तो वन अपॉन एटीन आएगा मतलब पांच रुपए का प्रोबेबिलिटी है तो पांच रुपए नहीं गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन माइनस वन बाई एटीन समझ गए इसको वन से माइनस कर दो या फिर आप ऐसा याद रखो ना देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपी फाइव कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Coin will be one one 18, मतलब सेवनटीन बाई एटीन भी कह सकते हो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो या फाइव रुपी का नहीं होना चाहिए तो फाइव रुपी का कॉइन होगा तो, हो तो कौन सा कॉइन होगा

कि हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है मतलब हर एक आउटकम की आने की संभावना एकदम सेम है वट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बहुत सारे बच्चे गलती करते सर एट पर तो सर एट एक, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अपॉन एट सर वन हो गया दोस्तों ऐसा नहीं होता एट मतलब एक आउटकम तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका वन अपॉन एट समझ रहे हो समझ रहे हो अरे एक आउटकम है और टोटल कितने है? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ ठीक ठीक है सर अगला देखो एन ऑर्ड नंबर तो ऑर्ड नंबर कितने भैया एक दो तीन चार तो फोर बाय फोर बाय कितना होगा इसका डायरेक्ट लिखूंगा फोर बाय एट मतलब वन बाय टू इजी बहुत इजी ठीक है. अगला क्या अ नंबर ग्रेटर देन टू तो नंबर ग्रेटर देन मतलब एक दो तीन चार तो ये छह नंबर हो गए तो छह आउटकम्स ऐसे हैं जो नंबर ग्रेटर देन एट है छू थ्री जा टू फोर थ्री बाय फोर आपके प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि एरो आपका नंबर ग्रेटर देन टू पर रुके नंबर लेस देन नाइन नंबर लेस देन नाइन तो नाइन से कम कितना आउटकम्स है नाइन से कम एट भी होता है सेवन भी होता है सिक्स भी होता है फाइव भी होता है फोर भी होता है थ्री भी होता है टू भी होता है वन भी होता है सारे आउटकम्स आ गए नंबर लेस देन सारे सारे नंबर लेस देन नाइन में सारे आउटकम्स आ गए मतलब नंबर लेस देन नाइन की प्रोबेबिलिटी हो गई आठ बाय आठ मतलब वन समझ गए भाई नंबर लेस देन नाइन ही आएगा ना सोच के देखो ना भाई इन्होंने बोला आप उसको स्पिन करो नंबर लेस देन नाइन आए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी मतलब वन भी आ सकता है टू भी थ्री भी फोर भी फाइव भी सिक्स भी सेवन भी एट भी अरे भैया वही तो नंबर है मतलब नंबर लेस देन नाइन ही आएगा पक्के से मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी वन होगी ठीक है अ प्राइम नंबर अच्छा क्या बोल रहे हैं अ डाइस इज थ्रोन अ डाइस थ्रोन वंस वाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर दोस्तों प्राइम नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं व्हाट आर प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स नंबर्स हैविंग नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स याद रखिए ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं तो भैया सबसे पहले लिखोगे कैसे आप सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखोगे आप सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स तो एक डाय को थ्रो करा तो वन आ सकता है टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सही तो बात है टोटल आउटकम्स कितने टोटल आउटकम्स कितने ऐसे लिखना पड़ता है पूरे पूरे मार्क्स लेने के लिए सिक्स है भैया ठीक है ठीक है। तो भैया मैंने बना लेट लेट या फिर मत करो अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर तो क्या हो numbers, कितने प्राइम नंबर है नंबर ऑफ प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर या फिर आउटकम्स सही बात है बिल्कुल सही बात है गुरुजी तो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं देखो सर वन प्राइम नंबर होता है नहीं वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट दोस्तों वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ये चीज आप याद कर लीजिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वन आपका आप ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है वन सर प्राइम क्यों नहीं होता प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो वन का तो सिर्फ एक फैक्टर होता है ठीक है तो प्राइम नंबर टू हो गया टू हो गया ठीक है थ्री हो गया फाइव हो गए तो तीन आउटकम्स हो गए तो थ्री अपॉन टोटल सिक्स तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी वन बाय नेक्स्ट अ नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स अ नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स बिटवीन टू एंड सिक्स बोला तो कितने फेवरेबल आउटकम्स टू और सिक्स के बीच में तो ये फेवरेबल आउटकम्स थ्री फोर फाइव तो सबसे पहले आप यहां पे ऐसा लिख दें क्या फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो आपको चाहिए फेवरेबल आउटकम्स आपके थ्री है चार है पांच है ठीक है तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन फाइव एंड सिक्स कितनी हो जाएगी फेवरेबल आपके तीन है टोटल आपके छह है तो आंसर हो जाएगा वन बाय टू समझ गए चलिए अगला एन ऑड नंबर तो ऑर्ड नंबर के लिए फेवरेबल क्या क्या है भैया? भैया? नंबर नंबर की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका होता 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 है, होता है, होता है। तो इसकी भी मतलब डायरेक्ट कर दिया मैंने, है ना? चलो। पूरा -पूरा आपको प्लीज लिखना है, याद रखिएगा well so, कहा गया ये रहा? ठीक है जरा ध्यान से देखिएगा ये आपके फिफ्टी टू कार्ड होते हैं ये आपके फिफ्टी टू कार्ड होते हैं ठीक है जिसमें इसको 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 हम 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 लोग 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 स्पेड्स बोलते 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 हैं 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 क्लब्स डायमंड फिर से रिपीट करूंगा इसको हम लोग स्पेड्स बोलते हैं काला पान इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में चिड़ी इंग्लिश में क्लब्स बोलते हैं और इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं अगर आप ध्यान से देखें टोटल फिफ्टी टू कार्ड है थर्टीन इसमें थर्टीन इसमें थर्टीन इसमें थर्टीन इसमें थर्टीन का मतलब टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये नौ कार्ड आपके नंबर कार्ड होते हैं और चार कार्ड आपके स्पेशल कार्ड होते हैं जिसमें से तीन कार्ड कौन कौन से होते हैं किंग क्वीन जैक किंग क्वीन जैक राजा रानी गुलाम किंग क्वीन जैक और एक आपका एस कार्ड होता है समझ में आया एस में कोई फेस नहीं बना होता इन तीनों में आपका देखो फेस बना है फेस बना है फेस बना है फेस बना है तो अगर मैं आपसे पूछूं 52 कार्ड्स में टोटल किंग कितने होते हैं तो चार किंग होते हैं टोटल एज कितने होते हैं चार एस होते हैं टोटल क्वीन चार जैक चार दस के चार नौ के चार आठ के चार समझ में अगर मैं आपसे पूछू टोटल रेड कलर की कितनी क्वींस होती हैं तो रेड कलर की टोटल दो क्वींस होती हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं तो तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन टोटल बारह फेस कार्ड तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो भैया फिफ्टी टू कार्ड को आपने शफल करा एक कार्ड निकाला ये कार्ड आपका रेड कलर का कार्ड हो क्या प्रोबेबिलिटी है सिंपल तो रेड कलर के कार्ड की प्रोबेबिलिटी एक बार फॉर्मूला भी लिख दू आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर नंबर ऑफ रेड कलर्ड कार्ड्स नंबर ऑफ रेड कलर्ड कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इजी है ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रेड कलर के कार्ड्स होते हैं ट्वेंटी सिक्स टोटल फिफ्टी टू टॉल्व करोगे वन बाय टू प्रोबेबिलिटी आ जाएगी

टोटल छह रेड कलर के फेस कार्ड्स है तो सिक्स अपॉन 52 कितना हो गया टू थ्री जा ट्वेंटी जा समझ गए इजी चलो आगे क्या बोल रहे हैं जैक ऑफ हार्ट्स, जैक हो वो भी हार्ट्स का जैक हो वो भी हार्ट्स का कितना इजी है भैया हार्ट ये रहा हार्ट का जैक वैसे एक दो तीन चार टोटल चार जैक होते हैं फिफ्टी टू कार्ड में लेकिन हमसे हार्ट का जैक बोला कि भैया फिफ्टी टू कार्ड में एक कार्ड ड्रॉ करा ये कार्ड आपका ये वाला हो तो एक ही ऐसा कार्ड है एक ही ऐसा कार्ड है तो वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय फिफ्टी टू इसकी प्रोबेबिलिटी समझ गए इजी इजी सर चलिए नेक्स्ट अस्पेड स्पेड की प्रोबेबिलिटी सर स्पेड क्या होता है ब्लैक कलर काला पान ब्लैक कलर दोस्तों इसको हम लोग स्पेड बोलते हैं फिर से बोलूंगा या आपका डायमंड होता है तो स्पेड के थर्टीन कार्ड है तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी थर्टीन स्पेड कार्ड अपॉन फिफ्टी टू तो थर्टीन वन जा थर्टीन फोरजा होता है फिफ्टी टू वन बाय फोर आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ठीक है आगे क्वीन ऑफ डायमंड्स तो डायमंड के थर्टीन कार्ड होते हैं जिसमें से एक ही क्वीन होती है वैसे तो टोटल चार क्वींस है लेकिन डायमंड की एक ही क्वीन है तो डायमंड की क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड्स वन अपॉन फिफ्टी टू ठीक है इजी बहुत इजी चलिए आगे बढ़ते हैं फाइव कार्ड्स फाइव कार्ड्स द टेन जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विदेयर फेस डाउनवर्ड अच्छा दोस्तों विदर फेस डाउनवर्ड समझना भाई पांच कार्ड्स को शफल कौन कौन से कार्ड्स हैं कार्ड से पांच कार्ड्स को शफल करा गया कौन कौन से कार्ड से भैया दस नंबरी कार्ड है एक टेन नंबरी कार्ड है आराम से देखना एक टेन नंबरी कार्ड है।, है एक आपका जैक है एक आपका क्वीन है एक आपका किंग है और एक आपका एस है और सारे कार्ड आपके डायमंड के हैं डायमंड मतलब लाल कलर का जो होता है सारे कार्ड आपके डायमंड के एक बार दिखा देता हूं ये डायमंड के आपके सारे कार्ड ये डायमंड डायमंड के मतलब का दस समझ गए और देख लेते हैं दस जैक क्वीन किंग एस ठीक है बेसिकली ऐसा डायमंड के पांच कार्ड दस जैक क्विंग किंग एस ये पांच कार्ड्स ये पांच कार्ड्स को अपसाइड डाउन रख के शफल कर दिया मतलब अपन को देख नहीं रहा कौन सा कार्ड क्या है ना ठीक है क्या बोल रहे हैं वन कार्ड इज करने के बाद एक कार्ड रैंडमली उठाकर देखा गया क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड इज द क्वीन आपका कार्ड क्वीन का हो तो सिंपल है फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन तो फेवरेबल कितनी क्वीन है सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन है टोटल कितने कार्ड्स हैं पांच कार्ड्स तो वन बाय फाइव हो गई समझ गए सेकेंड वाला क्या बोल रहे हैं इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड क्वीन को ड्रॉ करा पांच कार्ड्स में क्वीन को ड्रॉ करा और असाइड रख दिया बाजू रख दिया असाइड रख दिया बाजू रख दिया ठीक है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक डब इज एन एस या फिर अ क्वीन आराम से आप समझो हो क्या रहे? सेकेंड क्वेश्चन के दो पार्ट एक ए पार्ट एक बी पार्ट हुआ क्या पांच कार्ड में एक क्वीन को साइड रख दिया भाई पहले से तो बचे आपके एक दो तीन चार कार्ड्स बचे अब इन चार कार्ड्स को सफल करा क्या प्रोबेबिलिटी होगी एस आने की तो एक दो तीन चार ये चार कार्ड्स है ये चार कार्ड्स है एस आपका एक ही है तो एस आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की एस का एक ही कार्ड है एस का एक ही कार्ड है कितने कार्ड्स एक दो तीन चार कार्ड्स सर चार क्यों सर पांच क्यों नहीं क्वीन को दोस्तों बाजू रख दिया ठीक है अब पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन भी तो भाई एक दो तीन चार में इन चार में तो क्वीन है ही नहीं तो क्वीन है नहीं टोटल कार्ड्स चार तो क्वीन नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो भाई चार कार्ड्स में एक कार्ड को ड्रॉ करा क्वीन है ही नहीं ना तो जाहिर सी बात आ ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं होगी आगे देखिए मिक्सड विथ वन थर्टी टू गुड दोस्तों ट्वेल्व डिफेक्टिव पेन्स उनको एक्सीडेंटली मिक्स कर दिया गया वन थर्टी टू गुड वन ठीक है तो गुड पेन्स कितने भैया गुड पेन से आपके पास 132 थर्टी टू डिफेक्टिव पेन कितने आपके पास डिफेक्टिव पेन से आपके पास 12 ठीक है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव दोस्तों सिर्फ पेन को देखकर हम नहीं बता सकते पॉसिबल ही नहीं कि हम बता पाए कि ये डिफेक्टिव है कि अच्छा है सही है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम इन सारे पेन में एक पेन को उठाया गया रैंडमली डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पेन आपका अच्छा वाला पेन हो सिंपल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड अपॉन पेन्सॉन्डल नंबर ऑफ पेन्स तो नंबर ऑफ गुड पेन आपके वन थर्टी टू है टोटल कितने वन थर्टी टू प्लस ट्वेल्व तो कर लो थोड़ा सा तो so, वन बचा टू सिक्स और काट लो थ्री वनजा थ्री वनजा थ्री वनजा थ्री टू झा इलेवन बाय ट्वेल्व आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी समझ गए समझ गए सर

बीस बल्ब थे जिसमें से चार डिफेक्टिव है तो इजी वन बाई फाइव आपकी प्रोबेबिलिटी सही है ना डिफेक्टिव की पूछी ठीक है अगला सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड अच्छा मतलब समझो पहले केस में पहले केस में मानो कि जो अपन ने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है पहले केस में जो अपन ने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है समझना है थोड़ा सा सोचना समझना ठीक है वैसे 11 क्लास में आपको और मजा आएगा अभी तो आपको बहुत बेसिक पढ़ाया जा रहा है बीस बल्ब में बीस बल्ब में समझना आपके चार डिफेक्टिव है तो जाहिर सी बात है बचा हुए सोलह नॉन डिफेक्टिव होंगे एनडी है ना अब समझना मान के चलो कि पहले वाले केस में जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है डिफेक्टिव नहीं मतलब अच्छा वाला है डिफेक्टिव नहीं है मतलब अच्छा वाला है समझ मारे ठीक है भैया एंड इज नॉट रिप्लेस्ड मतलब उसको वापस नहीं रखा गया मतलब 20 बल्ब में एक बल्ब को निकाल कर उसको वापस नहीं रखा गया समझ मारे ठीक नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव अब समझना मेरी बात ध्यान से दोस्तों 20 बल्ब थे एक बल्ब निकाल लिया और उसको वापस नहीं रखा गया तो टोटल आपके 19 बल्ब बचे टोटल आपके उन्नीस बल्ब बचे क्या बात समझ में आ रही है अब इस उन्नीस बल्ब में हमको बोला कि वो जो एक निकाला गया था वो नॉट डिफेक्टिव है मतलब डिफेक्टिव नहीं है डिफेक्टिव नहीं, नहीं, मतलब अच्छा नहीं है तो इसमें से कौन सा एक आपका कम होगा नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा वाला अच्छा वाला समझो इज नॉट अच्छा वाला तो भाई आपके Not defective में एक आपका कम हो गया और आपका चार डिफेक्टिव वाले अभी भी है क्या यह बात समझ आई भाई जो बल्ब निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं है डिफेक्टिव नहीं है मतलब नॉट डिफेक्टिव पंद्रह बज गए क्यों एक निकाल लिया ना समझे अब हमसे बोला एक बल्ब ड्रॉ करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बल्ब आपका नॉट डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव कितने हैं भैया पंद्रह प्रोबेबिलिटी ऑफ टिव बल्ब कितने पंद्रह टोटल उन्नीस क्या बात समझ आई ठीक है चलिए आगे क्या बोल रहे हैं भैया सिंपल सांटेन्स नाइनटी डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम वन टू नाइनटी दोस्तों एक बॉक्स होगा जिसमें नाइनटी डिस्क रखी हुई है जिनमें नंबर लिखा हुआ है वन से लेकर नाइन्टी तक ठीक है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैडम फ्रॉम दी बॉक्स फाइन दी प्रोबेबिली दियर्स आ टू डिजिट नंबर तो कितना इजी है कितना इजी है सोच के देखो ना टोटल वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 नाइनटी नंबर डिस्क रखी हुई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक टू डिजिट नंबर की डिस्क डिस्क हो क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो एक टू डिजिट नंबर की डिस्क हो तो कितने टू डिजिट नंबर की डिस्क है वन टू थ्री फोर फाइव अपटेल नाइन तो नौ नंबर तक तो वन डिजिट चल रहा है मतलब टेन से लेकर टेन से लेकर नाइनटी तक कितनी डिस्क होंगी एट्टी वन डिस्क समझ में आ रहा है तो एट्टी वन अपॉन टोटल नाइनटी नाइन नाइन जा एट्टी वन नाइन टेन जा नाइनटी तो ये आपका नाइन बाय टेन प्रोबेबिलिटी आ गई अगला क्या बोल रहे हैं अ परफेक्ट स्क्वाड नंबर वन से लेकर नाइन्टी में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन पे आप ऐसा लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर ठीक है एट्टी वन टेन का स्क्वायर हंड्रेड पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि नाइनटी तक ही है तो कितने नंबर्स है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ठीक है तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट अ परफेक्ट स्क्वेड नंबर कितना हो जाएगा नौ नंबर हैं परफेक्ट स्क्वेड अपॉन नाइनटी नाइन वन सा नाइनजा दोस्तों वन अपॉन टेन आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इजी चलिए अगला नंबर डिविजिबल बाय फाइव कितने नंबर्स होंगे भैया डिविजिबल बाय फाइव जो फाइव की टेबल में आएंगे मतलब फेवरेबल आउटकम्स अगर मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं फेवरेबल आउटकम्स की तो कौन कौन से होंगे फेवरेबल भैया फाइव हो जाएगा टेन हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा थर्टी हो जाएगा थर्टी हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा फोर्टी फाइव 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90. तो so, कितने नंबर हो गए भैया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एटी नंबर हो गए तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल By फाइव तो so, कितने नंबर से फाइव से डिविजिबल एटीन टोटल कितने नाइनटी तो नाइन टू जा ठीक है ओके सर चलिए नाइन टू जा एटीन नाइन टेन जा नाइनटी टू वन जा टू फाइव जी चलिए अगला सवाल क्या बोल रहे हैं

डी आने की डी आपका सिर्फ एक में लिखा है तो तो समझ गए? बहुत इजी सवाल. Next, क्या बोल रहे हैं? मैंने मैंने को रोल करा और मैंने इस rectangular region में ऐसा फेंक दिया इस रेक्टेंगुलर रीजन में इस रेक्टेंगुलर रीजन में समझ गया ना इस रेक्टेंगुलर रीजन में फेंक दिया थ्रो कर दिया वॉट इज द विल लैंड इन साइड द सर्कल तो, तो डायमीटर वन मीटर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मैंने डाई फेंका है वो इस सर्कल वो इस सर्कल के अंदर जाके गिरेगा सिंपल फॉर्मूला भाई क्या फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो फेवरेबल क्या है फेवरेबल क्या है ये सर्कल का पार्ट टोटल क्या है ये पूरा रेक्टेंगल का पार्ट समझ गया तो बेसिकली बेसिकली क्या हो जाएगा भैया प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की फॉर्मूला क्या नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल सर्कल पे गिरना चाहिए ना एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजी रेक्टेंगल कुछ दिया हुआ है हाँ दिया हुआ है तो भैया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर कितना है आर आपको डायमीटर वन मीटर तो रेडियस वन बाय टू तो रेडियस की जगह वन बाय टू इंटू वन बाय टू लिख लो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और ब्रेथ की जगह आराम से लेंथ और ब्रेथ की जगह आप ऐसा लिख सकते हो एल बी की जगह आप लिख सकते हो थ्री इंटू टू समझ गए करना जरा सॉल्व बेसिक मैथ से ये तो एक काम करें इसके नीचे कुछ नहीं तो वन लगा ऊपर जाएगा ये डर जाएगा तो ये आपका आ गया बेसिकली ट्वेंटी टू ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय आपका ट्वेंटी टू ऊपर डिवाइडेड बाय सेवन इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू सेवन इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए थ्री पॉइंट वन फोर लेता मेरे ख्याल से तो ज्यादा फायदे में रहता पर चलो कोई बात नहीं टू इलेवन जावन अपॉन सेवन टू फोरटीन जा ट्वेंटी होता है ट्वेंटी फोर सिक्स एट हाँ एटी फोर इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से देखो जरा 84 इधर लिखा 11 लिखा इधर तो डेसिमल लगा के जीरो तो 84 वन जा 84 वन जा 84 योग्य का 10 में से फोर गया सिक्स या आपका जीरो 10 में से एट गया टू या आपका जीरो तो 26 बचा ठीक है यहाँ पे जीरो लगा दो तो 84 इनटू फ्रीजा तो 0.13 समथिंग आ रहा है दोस्तों ये आपको कुछ 0.13 मान लो अप्रोक्स 0.13 अप्रोक्स मान लो इजी चलिए आगे चलते हैं क्या बोल रहे हैं अलॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉलपेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड ठीक है दोस्तों 144 144 आपके पास आपके पास बॉल पेन है ठीक है जिसमें से जिसमें से ट्वेंटी आपके डिफेक्टिव है और बाकी सारे बचे कितने भैया 144 में से 20 गया तो 124 आपके आपके नॉन डिफेक्टिव है क्लियर ठीक है आगे देखो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड नूरी बाय करेगी अगर वो गुड हो बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव जाहिर सी बात है कौन डिफेक्टिव पेन खरीदना चाहता तो नूरी तभी पेन खरीदेगी जब वो नॉन डिफेक्टिव यानी गुड हो ना यहाँ पे अपन गुड भी रैंडम एंड इट टू हर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट भाई शॉपकीपर ने एक पेन निकाला और नूरी को दिया क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नूरी उसको खरीदेगी सिंपल

तो ट्वेंटी अपॉन वन फोर्टी फोर तो टू टेन सावेंटी टू साइव थर्टी बाय थर्टी इजी ठीक है चलिए आगे क्या बोल रहे रेफर टू एग्जाम्पल थर्टीन ऑफ फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अच्छा दोस्तों एग्जाम्पल थर्टीन देखने को बोला एनसीआरटी का ठीक है एग्जाम्पल थर्टीन देखने को बोला एनसीआरटी का तो एनसीआरटी खोल लें काम करें

तो थर्टीन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अच्छा इसकी बात करें ठीक है देखो जरा कंप्लीट फॉलोइंग टेबल इवेंट है सम ऑफ टू डाइस इवेंट है सम ऑफ टू डाइस तो सबसे पहले समझो दो डाइस को रोल करा गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो अगर आप दो डाइस को रोल करोगे सबसे पहले आप सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए सबसे पहले तो आप सारे पॉसिबल सारे पॉसिबल आउटकम्स की क्या होंगे सारे पॉसिबल आउटकम्स वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर वन कॉमा फाइव वन कॉमा सिक्स ठीक है टू कॉमा वन देखते जाओ टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स सर समझ अरे भैया दो डाइस को रोल करा हो सकता है पहले डाइस में टू दूसरे में सिक्स आ जाए आ सकता है ना जो जो आ सब आन पहले में थ्री दूसरे में टू आ जाए पहले में थ्री दूसरे में भी थ्री आ जाए पहले में थ्री दूसरे में चार आ जाए पहले में थ्री दूसरे में पांच आ जाए पहले में थ्री दूसरे में छह आ जाए ठीक है पहले में चार दूसरे में वन पहले में चार दूसरे में दो पहले में चार दूसरे में चार तीन लिख लो पहले पहले में चार दूसरे में चार पहले में चार दूसरे में पांच, पहले में चार दूसरे में छ पहले डाइस में पांच, दूसरे में वन पहले में पांच, दूसरे में दो फाइव कॉमा थ्री फाइव कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव ये सारे पॉसिबल आउटकम्स पहले मैं लिख रहा हूँ और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब आप दो डाइस को रोल करते हैं टोटल थर्टी सिक्स आउटकम आपके पॉसिबल होते हैं ठीक है थीके? तो ये आपके ऑल पॉसिबल आउटकम टोटल थर्टी सिक्स आउटकम्स मैंने यहां पे लिख दिए दिखाई दे रहा है ठीक है अब क्या बोल रहे हैं इवेंट क्या है सम ऑफ टू डाइस डाइस मतलब दो dice में जो नंबर आ रहा है उनका सम तो वन प्लस वन टू वन प्लस टू थ्री वन प्लस थ्री फोर ऐसा कुछ है ना तो सम समू आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय थर्टी सिक्स ऑलरेडी दी हुई है हमको ये टेबल भरनी है कहने का मतलब दोनों डाइस में सम थ्री आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सम फोर आ जाए जा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सम फाइव आ जाए समझ गए ना क्या है आइए तो सम थ्री आ जाए कौन कौन सा थ्री के लिए आइए थ्री, थ्री के लिए हरे पेन पैंथ करते भाई, वन प्लस टू थ्री आ जा जाएगा टू प्लस वन थ्री आ जाएगा जा जा जा, और कहीं पे थ्री आएगा नहीं आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी टू बाय थर्टी सिक्स यानी वन बाय एटीन भी कह सकते हो डाइस में फोर आ जाए भैया क्या फोर आ जाए सम तो वन प्लस थ्री फोर होता है ठीक है थ्री प्लस वन फोर होता है ठीक है टू प्लस टू भी फोर होता है और कुछ और कुछ नहीं तो ये आपके थ्री बाय थर्टी सिक्स हो गई प्रोबेबिलिटी यानी वन बाय ट्वेल्व भी कह सकते हो फाइव आने का फाइव आने का सम तो भैया वन प्लस फोर फाइव होता है टू प्लस थ्री फाइव होता है और फोर प्लस वन फाइव होता है ये तीन आउटकम्स में सम फाइव आएगा और कहीं तो नहीं ना पक्का तो ये आपका ये भी आपका थ्री बाय मतलब पर पर मिस्टेक कर दी थी फाइव बाई थर्टी से अगर आप देखो यहां मैंने थ्री लिखा हुआ है कि भी तीन आउटकम्स है सिर्फ और सिर्फ नहीं दोस्तों ये भी तो है थ्री कॉमर टू का भी तो सम फाइव होता है तो यहाँ पे आपका फोर बाय थर्टी सिक्स आएगा है ना अब वीडियो जब आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे थ्री बाई थर्टी सिक्स लिखा होगा इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा एकदम से दिमाग में आया तो वीडियो के बीच में आ गया जानता हूँ कि वीडियो के बीच में आने का लगा तो थोड़ा सा कैजुअल है लेकिन चला लीजिएगा चलो कंटिन्यू करो माफ कर देना बाय समझ मारा है सम सम्स आ जाए सम आपका 6 आ जाए मतलब होता होता है 4, 6 होता है यहाँ पर आपका थ्री प्लस थ्री सिक्स होता है यहाँ पे आपका फोर प्लस टू सिक्स होता है और यहाँ पे आपको फाइव प्लस वन सिक्स होता है और कुछ और तो दोस्तों आपका टू प्लस फाइव सेवन होता है थ्री प्लस फोर सेवन होता है फोर प्लस थ्री सेवन होता है फाइव प्लस टू सेवन होता है सिक्स प्लस वन सेवन होता है तो एक दो तीन चार पांच छिक्स अपॉन थर्टी सिक्स यानी वन अपॉन सिक्स ठीक ठीक है गुरुजी जी नाइन आने की प्रोबेबिलिटी तो नाइन कैसे आएगा भैया नाइन कहाँ दिख रहा है सम समी नाइन होता है फोर प्लस फाइव नाइन होता है फाइव प्लस फोर नाइन होता है सिक्स प्लस थ्री नाइन तो एक दो तीन चार तो ये आपका फोर बाय थर्टी सिक्स यानी टू बाय वन बाय नाइन कह लो सम टेन आ जाए अब दोस्तों पेन ही खत्म हो गए कलर सम टेन आने की प्रोबेबिलिटी तो सम टेन फाइव प्लस फाइव टेन या फिर सिक्स प्लस फोर टेन या फिर फोर प्लस दिखाई इधर दिखाई दे रहा दिखा है एक दो तीन केस में आपका टेन आएगा तो ये आपका थ्री अपॉन टेन ठीक है ये वाला आप लोग का होमवर्क आंसर करके बताइएगा इजी है ना मेरे ख्याल से बहुत इजी है चलिए आगे चलते हैं क्या बोल रहे हैं इसी का सेकेंड पार्ट अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर इलेवन पॉसिबल आउटकम्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन इलेवन एंड स्टूडेंट बोलता है कि भैया ग्यारह पॉसिबल आउटकम्स होंगे 11. Answer, दोस्तों ग्यारह आउटकम कैसे होंगे अगर आप दो डाइस को रोल करोगे तो ग्यारह आउटकम कैसे छत्तीस आउटकम्स होते हैं तो स्टूडेंट तो गलत ही बोल रहे भैया हेलो भैया आई डोंट अग्री आई डोंट अग्री आई डोंट अग्री टू द स्टूडेंट क्यों भैया सिंस देयर आर सिंस देयर देयर आर थर्टी सिक्स आउटकम्स तो ग्यारह आउटकम्स तो है ही नहीं भैया थर्टी सिक्स है समझ गए हाँ सर चलिए तो स्टूडेंट पता नहीं फालतू की बकवास कर रहा था है ना चलिए आगे क्या बोल रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है ये अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वन टॉसिंग अ रूपी कॉइन थ्री टाइम्स आराम से एक गेम है जिसमें एक ही कॉइन को मैं तीन बार टॉस कर रहा हूं एक ही कॉइन को मैं तीन बार टॉस कर रहा हूं मतलब वन रुपी कॉइन को मैं तीन बार टॉस कर रहा हूं एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम दोस्तों समझना एक ही कॉइन को मैं तीन बार टॉस कर रहा हूं एक वन रूपी का मैं तीन बार टॉस कर रहा हूं सबसे पहले तो ये बताओ क्या क्या आउटकम पॉसिबल है आपको पहले मैं एक चीज बताता हूं जो कि आपने हिंट पे भी लिखी हुई हिंट नहीं लिखा समझना आप एक कॉइन को तीन बार टॉस करो या तीन कॉइन को एक साथ टॉस करो फिर से बोलूंगा आप एक कॉइन को तीन बार टॉस करो या तीन कॉइन को एक साथ टॉस करो जो आउटकम्स आते हैं वो सेम आते हैं आप सोच के देखो जब आप एक कॉइन को तीन बार टॉस करोगे क्या क्या आ सकता है या तो हो सकता है समझना अगर आप एक ही कॉइन को तीन बार टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं हो सकता है तीनों कॉइन में हेड आ जाए मतलब तीनों कॉइन में नहीं तीनों टॉस में हेड आ जाए भाई एक कॉइन को हेड 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 तो तीनों बार हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है समझना लिखने का तरीका देखो तीसरा वाला हेड हटाओ टेल लगाओ दूसरा वाला हेड हटाओ टेल लगाओ पहला वाला हेड हटाओ टेल लगाओ मतलब आपने एक ही कॉइन को तीन बार टॉस करा तो हो सकता है पहले टॉस में टेल दूसरे में हेड दूसरे में हेड हो सकता है पहले टॉस में हेड दूसरे में टेल तीसरे में अरे जो जो हो सकता है वो मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ठीक है सर और क्या हो सकता है भैया हो सकता है तीनों टॉस में टेल आ जाए तीसरा टेल हटाकर हेड लगाओ दूसरा टेल हटाकर हेड लगाओ पहला टेल हटाकर हेड लगाओ सिंपल तरीका होता है लिखने का तो दोस्तों ये आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स अगर आप एक ही कॉइन को तीन बार टॉस करते हैं तो हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट हनीफ कब जीतेगा हनीफ कब जीतेगा जब तीनों टॉसेस में सेम रिजल्ट आए मतलब या तो तीनों में हेड आए या तो तीनों में टेल आए तो हनीफ आपका जीत जाएगा ठीक है थ्री हेड्स और थ्री टेल्स एंड लूजेज अदरवाइज नहीं तो बाकी गेस में वो हार जाएगा भाई गेम है गेम में क्या है हनीफ कब जीतेगा जब तीनों टॉस में सेम चीज है या तो तीनों हेड आ जाए या तो तीनों टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा और लूज कब करेगा जब इसके अलावा कुछ आ जाए मतलब ये सब आने पर वो लूज करेगा और ये सब आने पर वो विन करेगा समझ में आ रहा है इसमें विन और इसमें वो लूज करेगा समझ गए अच्छा सर ठीक है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी गेम हनिफिल लूज द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिंपल हैिटी ऑफ प्रोबैबिलिटी ऑफ लूजिंग लूज कब करेगा जब एक दो तीन चार पांच छह आउटकम्स आ जाए अप ऑन टोटल एट टू टू थ्री जो फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग होगी थ्री बाय फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग होगी थ्री बाय फोर आप इसको एक और तरीके से कर सकते देखो दूसरा तरीका क्या समझना आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालो कितनी आएगी दो केसेस में जीतेगा अपॉन आर्ट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आएगी मैंने आपको एक फॉर्मुला बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस्तों इसका मतलब क्या अगर मैं डब्ल्यू के ऊपर बार लगा दी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग वन होगी अरे नॉट विनिंग मतलब लूजिंग

वही है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दें जिस तरीके से आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं थ्रोन भैया एक को दो बार थ्रो करा गया वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम आई टाइम तो पांच नहीं आएगा एक भी बार इसकी क्या प्रोबेबिलिटी दोस्तों थ्रोइंग टू डाइस आर ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया तीन कॉइन आप एक साथ टॉस करो या एक ही कॉइन को तीन बार टॉस करो एक ही बात है वैसे ही एक को दो बार रोल करो या दो डाय में रोल करो प्रो सेम बात है ना? तो एक डाय को दो बार थ्रो करा गया व्हाट इज द प्रो बैब फाइव कम आई द टाइम फाइव नहीं आना चाहिए आई टाइम तो आपको पता है

फाइव कहां का है एक तो यहां पर आ रहा है ठीक है एक आपका यहाँ पर आ रहा है इसको मैं करूंगा कैसे काफी भारी सा पड़ जाएगा ये चलो कोई बात नहीं अपन इसको इस पेंसिकल ठीक है तो फाइव कहाँ का आ रहा है फाइव आपका यहां पर आ रहा है ध्यान से देखना एक बार फाइव आपका यहां पर आ रहा है ध्यान से देखना फाइव आपका यहां पर आ रहा है फाइव आपका यहां पर आ रहा है फाइव यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर तो फाइव कहां कहां आ रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बार आपका फाइव आ रहा है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मानो फाइव आना फाइव विलकम कितनी हो जाएगी भैया ग्यारह ना शायद मेरे ख्याल से एक बार फिर से कर लेते चार छह दस ग्यारह तो फाइव आने की प्रोबेबिलिटी है इलेवन बाय थर्टी सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव नॉट कमिंग आई दर टाइम फाइव विल नॉट कम आईदर टाइम कितनी हो जाएगी वन माइनस इलेवन बाय थर्टी सिक्स तो यह आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स समझिए मैंने क्या करा अरे सिंपल है फाइव आना प्लस फाइव नहीं आना प्रोबेबिलिटी का आंसर वन होगा आने की प्रोबेबिलिटी प्लस फाइव नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का आंसर वन होगा तो फाइव आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली फाइव नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन माइनस बाई थर्टी सिक्स समझ में आ रहा है पक्का ठीक है आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि फाइव नहीं आना मतलब फाइव नहीं आना मतलब बाकी सब आना तो ग्यारह चीजें नहीं आ सकती ग्यारह चीजें नहीं आ सकती तो बाकी बची हुई पच्चीस चीजें आएंगी तो so, 25/36 ऐसा भी सोच सकते हो आगे देखो 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस 5 कम से कम एक बार आए कम से कम एक बार आप एट का मतलब समझो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एट लीस्ट मतलब का मतलब होता है कम से कम एक बार कम से कम एक बार अच्छा मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है भाई दो ही फाइव आ सकते हैं क्योंकि ये दो ही डाइसेस हैं तो कम से कम वन का मतलब होता है वन भी चलेगा और दो बार भी चलेगा मतलब एक बार भी फाइव चलेगा दो बार भी फाइव चलेगा एक बार भी फाइव चलेगा दो बार भी फाइव चलेगा तो फाइव विल कम अप एटलीस्ट वन एक बार भी फाइव चलेगा दो बार भी फाइव चलेगा ठीक है एक बार भी फाइव चलेगा दो बार भी फाइव चलेगा आइए देखते हैं तो इसको अपन पिंक से कर ले पिंक से बट अपन कर चुके ना तो अपना क्या बचा भैया अपना ये बचा वाइट से ही कर लेते हैं काम करते है। आओ देखो तो क्या, क्या है फाइव या तो एक बार आए या तो दो बार आए चलेगा तो 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 तो, तो एक तो एक बार फाइव आपका इधर दिखाई दे रहा है इधर दिखाई दे रहा है एक बार फाइव लिखा हुआ है एक बार फाइव इधर एक बार फाइव इधर एक बार फाइव इधर तो ग्यारह बार फाइव आपको दिखाई दे रहा है ग्यारह बार फाइव आपको दिखाई दे रहा है या तो एक बार या तो दो बार आए है ना तो दोस्तों इसका आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा ग्यारह बाय कितना ग्यारह बाय थर्टी सिक्स समझ गए ना एटलीस्ट वंस का मतलब एक बार भी आएगा तो चलेगा बाकी दो बार आ गया तो बहुत अच्छी बात है समझ गए ओके सर चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग दर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट गिव रीजन फॉर योर आंसर ियसली देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स टू हेड्स टू टेल्स एंड ऑफ इच देर फॉर फॉर इच ऑफ दीज आउटकम्सिटी दोस्तों गलत लिखा हुआ है अगर आप दो क्वॉइन को टॉस करोगे ये लोग कह रहे तीन ही पॉसिबल आउटकम्स है अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे क्या क्या आ सकता है अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे क्या लोग यहाँ पे द आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स द गिवन Argument the given argument is not correct. Is not correct. As when you toss two coins, there are outcomes. There are four possible outcomes. There are पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से कौन कौन से या तो दोनों में हेड आ जाए या तो दोनों में टेल आ जाए तो पहले में हेड दूसरे में टेल या तो पहले में टेल दूसरे में हेड समझ में आ रहा है और हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड हो जाएगी आपकी वन बाई फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हो जाएगी

प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आप लोग को बताना है कि ये सही दिया है या गलत दिया है। इसका आंसर मैं comment box में चाहता हूं होमवर्क कॉमेंट बॉक्स आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स पर बताना है क्या ये बताना है कि जो दिया है ये सही है कि नहीं है समझ में आया ठीक और ये भी बताना है कि सही अगर है तो क्यों है गलत अगर है तो क्यों है चलिए इसके साथ दोस्तों प्रोबेबिलिटी का सिंपल से चैप्टर का एनसीआर बैक एक्सरसाइज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है ठीक है अब इसके बाद हमारा एनसीआर टी सोल्यूशन सीरीज भी यहां पर समाप्त होता है इसी चैनल पर आपके पास हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो

जो करना है वो करें बस किसी का नुकसान न करें हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ में और हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचें और हमेशा याद रखें अगर आप कुछ बड़ा करने जाते हैं तो आप दस बार गिरेंगे पर आपको ग्यारहवीं बार उठना है अगर आप सौ बार गिरे तो आपको एक सौ बार उठना है पर उठना जरूर है कभी भी गिव अप नहीं करना ऑल द वेरी बेस्ट कभी मिलो तो हाई बोलना रटाबा बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर बाय बाय